गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड लेसन फोर्थ इट रियली ब्यूटिफुल माइंड अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन वी विल डिस्कस द डिलीटेड सिलेबस ऑफ क्लास 9th ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. सो जो बिहाइव बुक है अपनी, उसका जो लेसन 5 है जिसपे अभी हम आए थे, द स्नेक एंड द मिरर, उसको डिलीट कर दिया गया है. जो हमारा HBSC बोर्ड है और CBSE बोर्ड है, दोनों के द्वारा लेसन जो 10th है काठमांडू, वो लेसन भी डिलीट कर दिया गया है. उसके बाद है पॉइंट्स द लेक आई हिल ऑफ इनिसफ्री, ये पोइम डिलीट कर दी गई है. द डक एंड द कंगारू, ये भी पोइम डिलीट कर दी गई है. स्लंबर डिड माई स्पिरिट सील, ये पोइम भी डिलीट कर दी गई है. तो ये बिहाइव में से था. और जो दूसरी बुक है, दूसरी बुक में से भी जो सिलेबस डिलीट किया गया है वो है, एक लेसन है हमारा इस वर्ग द स्टोरी टेलर. ठीक है, एक तो ये लेसन डिलीट कर दिया गया है. दूसरा लेसन डिलीट किया गया है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट. ये दो लेसन जो है दूसरी बुक से डिलीट किए गए हैं. तो ये हमारा डिलीटेड सिलेबस था इंग्लिश लिटरेचर का. अब जो है हम 5th लेसन पे आए हुए थे, लेकिन 5th लेसन हमने नहीं करना, मीन्स टू से वो डिलीटेड है. तो इसीलिए हम अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट लेसन करेंगे. नेक्स्ट लेसन कौन सा है हमारा, 6th लेसन है. और 6th लेसन कौन सा है, माई चाइल्डहुड. लेसन 6, ठीक है. और इसका नाम क्या है, माई चाइल्डहुड. किसके द्वारा लिखा गया है ये, जो APJ अब्दुल कलाम थे, APJ अब्दुल कलाम, उनकी जो बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी कौन सी उनकी, विंग्स ऑफ फायर, ये उनकी किताब है, उन्होंने खुद लिखी है. ऑटोबायोग्राफी होता है खुद लिखी, जो व्यक्ति खुद लिखता है, और बायोग्राफी होता है जो कोई और लिखता है अपने बारे में, ठीक है. तो ये APJ अब्दुल कलाम ने अपनी जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, वो खुद लिखी है. उसका नाम क्या है, विंग्स ऑफ फायर. तो वहां से लिया गया है ये वहां का एक क्या है, एक्सट्रैक्ट होता है, अंश, छोटा सा अंश है ये उसका, ठीक है. वहां से इसको लिया गया है. और इसको करने से पहले हम जो है कुछ वर्ड्स मीनिंग करेंगे लेसन की तरफ जाने से पहले. वर्ड्स मीनिंग ये करेंगे पहले. अब तमिल है, जैसे तमिल क्या है, जो तमिल भाषा को बोलने वाले लोग हैं उसको तमिल कह सकते हैं, तमिल भाषी लोग, ठीक है. तमिल भाषी लोग या तमिलनाडु में रहने वाले लोग उनको कहेंगे. अच्छा, उसके बाद है रामेश्वरम. ये वर्ड्स मीनिंग में तो नहीं आते, बट ये है कि
रामेश्वरम। रामेश्वरम जो है वो तमिलनाडु राज्य में पड़ने वाला उन अनेक द्वीपों में से एक द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य पड़ते हैं। रामेश्वरम क्या है? एक द्वीप है। कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर, ठीक है, श्रीलंका और भारत के बीच में। तमिलनाडु, ठीक है। ये रामेश्वरम, ये वर्ड्स मीनिंग में नहीं आते लेकिन लेसन में आएंगे और स्टूडेंट्स को ये रहता है कि ये चीज है क्या, तो इसीलिए करवाए जा रहे हैं पहले, लेसन स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद है अरेस्ट वाइल। अरेस्ट वाइल होता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब पूर्वतम कह सकते हैं, ठीक है, जो पूर्व दिशा में पड़ता हो, अरेस्ट वाइल। उसके बाद है मद्रास। मद्रास क्या है? मद्रास क्या है? एक राज्य होता था उस टाइम में मद्रास जो है, जिसको हम क्या कहते, अब प्रेजेंट में क्या कहते हैं, चेन्नई कहते हैं मद्रास को, ठीक है। तो ये मद्रास स्टेट लगा लो इसके आगे, मद्रास स्टेट वह एक तमिलनाडु का राज्य था, एक तमिलनाडु का राज्य, ठीक है, जिसकी राजधानी चेन्नई होती थी। और अब इसका मद्रास का नाम बदलकर जो है वो प्रेजेंट में क्या है, चेन्नई है। और चेन्नई क्या है? वो राजधानी है, ठीक है, तो इतना ध्यान रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और ये आप अपनी जो है वो कैब की जो नोटबुक आपने लगाई हुई है उसमें लिखते रहा करें, आपके पास एक मिनी डिक्शनरी हो जाएगी। उसके बाद है फॉर्मल। फॉर्मल होता है औपचारिक। औपचारिक, ठीक है। उसके बाद है इननेट। इननेट होता है स्वाभाविक। स्वाभाविक, स्वाभाविक मतलब स्वैच्छिक, ठीक है, अपने आप, नेचुरल। उसके बाद है जेनरोसिटी। जेनरोसिटी, जेनरोसिटी है जो उदारता होती है, उदारता, दयालुता, ठीक है, जेनरोसिटी। उसके बाद है हेल्पमेट। हेल्पमेट होता है सहभागी या सहयोगी। सहयोगी, ठीक है। उसके बाद है अनडिस्टिंग्विश्ड। अनडिस्टिंग्विश्ड, अनडिस्टिंग्विश्ड होता है साधारण, जिसकी कोई ज्यादा बड़ी पहचान ना हो, साधारण, ठीक है। तो अब ये तो कुछ वर्ड मीनिंग थे, दो चार और करते हैं, उसके बाद फिर लेसन पे चलते हैं। लेसन क्या कहता है, स्टोरी क्या कहती है। उसके बाद है लुक्स। लुक्स होता है शक्ल सूरत। शक्ल सूरत, ठीक है। एंसेस्ट्रल। एंसेस्ट्रल, एंसेस्ट्रल होता है पैतृक या पूर्वजों वाला। उसके बाद है लाइम स्टोन। लाइम स्टोन, लाइम स्टोन होता है जो चूना पत्थर होता है, उससे जो भवन निर्माण सामग्री और सीमेंट बनाने के काम आता है, ठीक
ठीक है, लाइमस्टोन क्या होता है, चूना पत्थर, चूना पत्थर जो कि भवन निर्माण के लिए सीमेंट वगैरह बनाने के लिए काम आता है, पहले होता था ये चूना पत्थर, इससे ही जो है सीमेंट की जगह पे यूज किया जाता था इसको। उसके बाद है ऑस्टियर, ऑस्टियर ऑस्टियर होता है कठोर, ठीक है। उसके बाद है इन असेंशियल, इन असेंशियल, इन असेंशियल होता है अनावश्यक, अनावश्यक ठीक है, जिसकी आवश्यकता ना, अनावश्यक इन असेंशियल। तो वर्ड मीनिंग में आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अब चलते हैं लेसन की तरफ। जो एपीजे अब्दुल कलाम है वो आप लोगों को पता होगा, एक महान साइंटिस्ट हुए हैं और भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं वो, ठीक है। राष्ट्रपति रहते हुए जो है साथ ही साथ उन्होंने अपने जो साइंटिफिक कार्य हैं उनको जारी रखा, और एक बहुत ही महान पर्सनैलिटी, ठीक है, ग्रेटेस्ट कहेंगे, महान नहीं महानतम, वो भी है हमारे देश की, डॉक्टर अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम राइट्स दैट डॉक्टर अब्दुल कलाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कहाँ पे लिखते हैं, वो लिखते हैं अपनी किताब के अंदर जो विंग्स ऑफ, क्या है, विंग्स ऑफ फायर, ये किताब का नाम है उनकी, और वहीं से इस लेसन को लिया गया है विंग्स ऑफ फायर। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम लिखते हैं कि ही वॉज बोर्न इन ए मिडल क्लास तमिल फैमिली, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम लिखते हैं कि वो जो है एक मध्यम श्रेणी, मिडिल क्लास, मध्यम श्रेणी के तमिल परिवार में पैदा हुए थे, ठीक है। तमिल हमने अभी वर्ड मीनिंग में भी किया था, तो तमिल परिवार में जो है एक मध्यम श्रेणी का, जो ना तो गरीब था ना अमीर था, एक ऐसे परिवार में वो पैदा हुए थे। बोर्न का मतलब होता है पैदा होना, ठीक है। ही वॉज बोर्न एट रामेश्वरम, ही वॉज बोर्न एट रामेश्वरम। अब ये रामेश्वरम जो है वो क्या है, श्रीलंका और भारत के मध्य पड़ने वाले द्वीपों में से एक द्वीप है, तो उस स्थान पर वो जो है पैदा हुए। इट इज एन आइलैंड, इट इज एन आइलैंड टाउन ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। ये क्या था, एक आइलैंड टाउन था, आइलैंड टाउन, टाउन द्वीपीय कस्बा था, किसका, तमिलनाडु का, जो तमिलनाडु राज्य है इस समय पे। आगे चलते हैं, हिज फादर्स नेम वॉज, हिज फादर्स नेम वॉज जैनुलाब्दीन, जैनुलाब्दीन, ठीक है। उनके पिता का नाम क्या था, जैनुलाब्दीन था। हिज मदर्स नेम वॉज असीम्मा, हिज मदर्स नेम वॉज आसियम्मा, उनकी माँ का नाम क्या था, आसियम्मा था।
और उनके पिता का नाम क्या था? जैनलाब्दीन था। कहाँ पे पैदा हुए? तमिल की एक मध्यम श्रेणी परिवार में पैदा हुए और रामेश्वरम में पैदा हुए। रामेश्वरम जो कि एक द्वीपीय कस्बा है तमिलनाडु के अंदर। तो कलाम सेज दैट कलाम कहते हैं अपनी किताब के अंदर कि हिज फादर डिड नॉट हिज फादर डिड नॉट हैव मच फॉर्मल एजुकेशन, हैव मच फॉर्मल एजुकेशन, जो औपचारिक शिक्षा होती है। फॉर्मल क्या होता है? औपचारिक। जो औपचारिक शिक्षा होती है तो वो औपचारिक शिक्षा उनके पिता के पास ज्यादा नहीं थी, मतलब कि कम ही पढ़े लिखे थे वो। कलाम कहते हैं ये अपनी किताब के अंदर, बट ही वॉज ए मैन ऑफ डीप विजडम, बट ही वॉज ए मैन ऑफ डीप विजडम। परंतु जो अब्दुल कलाम हैं, अब्दुल कलाम के जो पिता हैं वो क्या थे? जो डीप विजडम होता है, गहरी बुद्धि है, गहरी बुद्धि रखने रखने वाले एक व्यक्ति थे जो अब्दुल कलाम के पिता थे। वो उनके पास ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं थी, परंतु वो मैन ऑफ डीप विजडम थे, एक गहरी बुद्धि रखने वाले व्यक्ति थे। ही डिड नॉट हैव मच वेल्थ, ही डिड नॉट हैव मच वेल्थ, उनके पास ज्यादा दौलत भी नहीं थी। वेल्थ क्या होता है? दौलत। कि उनके पास ज्यादा दौलत भी नहीं थी, बट ही वॉज जेनरस, बट ही वॉज जेनरस एट हार्ट, लेकिन वो दिल से। हार्ट क्या होता है? दिल। और जेनरस, जेनरस होता है उदार या फिर दयालु। वो अपने दिल से जो है उदार और या फिर दयालु कह सकते हैं, दयालु थे। मैनी आउटसाइडर्स एट एट देयर होम डेली, मैनी आउटसाइडर्स एट एट देयर होम डेली, कि बहुत सारे जो बाहरी व्यक्ति आते थे, आउटसाइडर बाहरी व्यक्ति, जो बाहरी व्यक्ति आते थे वो उनके घर पे जो है खाना खाते थे। कलाम सेज दैट एज ए चाइल्ड सेज दैट एज ए चाइल्ड, अब कलाम कहते हैं एक बच्चे के रूप में, या वो जो बच्चा था, ही हैड रादर ऑर्डिनरी लुक्स, रादर ऑर्डिनरी लुक्स, ठीक है, कि जब कलाम जो है वो एक बच्चे थे तो उनका जो लुक था, उनकी शक्ल जो शक्ल सूरत थी वो साधारण थी, ऑर्डिनरी, साधारण साधारण थी। बट हिज पेरेंट्स वर टॉल एंड हैंडसम, बट हिज पेरेंट्स वर टाल एंड हैंडसम, परंतु उसके जो माता पिता थे वो लंबे भी थे दिखने में और सुंदर भी थे, कलाम के जो माता पिता थे। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और इतना जो है अब्दुल कलाम जी के बारे में।